जिनको बैक पेन का समस्या है ना, वो कभी भी कपालभाति का अभ्यास मत कीजिएगा। रीजन क्या है? राइट शोल्डर की तरफ से लेफ्ट हील को देख रहे हैं, गर्दन भी घूम गई, कंधा भी घूम गया, स्पाइनल कॉर्ड भी घूम गया और फिर ऐसे ड्रॉप कर दी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कुछ ऐसे सिंपल और इजी इफेक्टिव स्ट्रेचेस और योग आसन जिनकी मदद से आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग होगी। यानी जिनको लोअर बैक की टेंशन, लंबर रीजन में टेंशन होती है, टेल बोन में बड़ा पेन होता है, इनफैक्ट साइटिका पेन में भी आपको बहुत मददगार होंगे ये सारे एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस और योग आसन जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अगर परेशानी ज़्यादा होना तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, और इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा बेसिक सी चीज़ बताऊंगी जो कि सभी जानते हैं लेकिन करना भूल जाते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो बोनस टिप आपको वीडियो के अंत में दिखेगा। और अगर चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में, मेरी गाइडेंस में रह के योगाभ्यास करना चाहते हैं ना, तो आप सभी का स्वागत है। नीचे जो WhatsApp नंबर शेयर किया है इसमें आपको WhatsApp कर देना है और आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। ये क्लासेस Zoom पर कंडक्ट होती हैं और इन क्लासेस की मदद से मैं देश और दुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। तो इस तरीके से ये वज्रासन की पोजीशन हो गई। वज्रासन की पोजीशन के बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें। कितनी दूरी पर करें? इतनी दूरी पर जितने की आपके शोल्डर है, इतनी दूरी पर कर लिया। फिर उसके बाद शोल्डर लेवल दूरी पर अपने नी को रखने के बाद इस तरीके से दोनों पाम्स को आपने मैट पर रख दिया। अब इस पोजीशन पे आने के बाद ध्यान दीजिए कि आपने घुटनों की पोजीशन तो उतनी रखनी है जैसे कि बैठने की पोजीशन पे आपने मेजर किया था, और आपके हाथ की पोजीशन बहुत से लोग गलती करते हैं, ऐसे आगे रख देते हैं, तो इसको आगे ना रखिएगा, इतनी दूरी पर रखिएगा। दोनों रिस्ट के बीच में आपके शोल्डर लेवल डिस्टेंस होगा और आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो, आपका शोल्डर ये एक लाइन में हो, ऐसे एक लाइन में हो, आगे पीछे ना हो, ये ध्यान रखिएगा। सामने देखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी हील्स के ऊपर अपने हिप को ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे। सामने देखिए, सांस लीजिए, वापस से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं और सांस छोड़ते हुए अपनी हिप को अपनी हील्स के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दें। ध्यान रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी लेंथनिंग मिलेगी, बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। सांस लें, वापस से अपनी हील पर, अपनी नी पर खड़े हो जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस से अपनी हील पर इस तरीके से बैठ जाएं। इतना करने मात्र से आपको हिप के अराउंड बड़ी ही थोड़ा रिलीज महसूस होगा, टेंशन कम लगेगी। तो इसको आप कम से कम 10 से 15 बार कर लें। सांस लें ऐसे और सांस छोड़े अपनी हील पर बैठे, सांस लें, वापस से अपने घुटने पर आ गए और सांस छोड़ते हुए अपनी हील पर बैठ गए। अब ये प्रैक्टिस करते हैं, वापस से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बीच में आपने कंधे जितना फासला कर लिया, ये ध्यान रखिए। एक एक चीज मैं बहुत बारीकी से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, भले मैं यहाँ पे वीडियो बता रही हूँ आपको, वीडियो देख करके भी आप एकदम ऐसा समझे कि मैं सामने बैठ के आपको करवा रही हूँ। तो दोनों नी के बीच में आपके कंधे जितना फासला है, दोनों पाम को वापस से आपने मैट पर ऐसे ड्रॉप कर दिया। मैं थोड़ा सा पीछे एडजस्ट कर लूँ अपनी बॉडी को ताकि कैमरे पे पूरे दिखूँ। तो आपने दोनों घुटनों के बीच में आपके हिप जितना फासला है, दोनों पाम को वैसे ही पोजिशन पर ला लिया ताकि रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एक लाइन में हो। सांस लिया, सामने देखा और इस तरीके से अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करें और सीलिंग की तरफ देखें, ऐसे पूरे पेट को ढीला छोड़ दें, छाती को, चेस्ट को नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ ऐसे ड्रॉप करें। कंधे को भी, जो आपकी शोल्डर ब्लेड है, उनको भी नीचे की तरफ पुश करें और सीलिंग की तरफ देखें, ऐसे। देख रहे हैं कितना बढ़िया लोअर बैक जो है नीचे की तरफ पुल है। और सांस छोड़ते हुए अब अपनी टेल बोन और अपने लंबर रीजन और अपने थोरेसिक रीजन और अपने सर्वाइकल रीजन पर ये पूरा स्ट्रेच महसूस करें और अपनी नेवल रीजन यानी इधर की तरफ देखें, नाभि की तरफ देखें, ऐसे सांस लें और छत की तरफ देखें, सीलिंग की तरफ देखें और पूरी स्पाइनल। और ये प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हैं ना, तो जिंदगी में कभी भी सर्वाइकल का पेन, लंबर रीजन का पेन, टेल बोन का पेन, बैक पेन, साइटिका पेन कुछ भी परेशान नहीं करने वाला है।
और बुढ़ापे तक आप चलते फिरते घूमते नाचते रहेंगे। सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती जाती है सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड हमारी काम करना बंद करती है क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, जब इस तरीके से हमने कैट स्ट्रेच किया, इसका नाम है कैट स्ट्रेच, तो इस स्ट्रेच में आपकी शोल्डर ब्लेड कितनी अच्छी तरीके से ऊपर मैंने खींची हुई है, नाभि की तरफ देख रही हूँ, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, पेट की मसल्स को इंगेज करके रखा है, छाती को अंदर की तरफ खींच रखा है और ये दोनों शोल्डर ब्लेड को भी छत की तरफ खींच रखा है, ऐसे एक्टिव है, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब पूरी छाती को लूज कर दें, पेट को लूज कर दें और शोल्डर ब्लेड को भी इस तरीके से ड्रॉप कर दें ताकि पूरा का पूरा शोल्डर ब्लेड भी खिंच जाए ऐसे। तो इसको कम से कम आपको 10 से 15 बार करना है, क्या नहीं करना, बहुत से लोग ये करते हैं ये, तो इस तरीके से ये डांस नहीं करना है वरना टेंशन और बढ़ जाएगी। तो डांस ना करके हर एक चीज, एक एक चीज को महसूस कीजिएगा। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रेच। अब वापस से जो घुटने में टेंशन हुई थी ना, इसको जरा हम रिलीज कर देते हैं और दोनों पैरों को ऐसे सीधा करके बैठ जाइए। तो चाहे आप शवासन में लेट जाएं या इस तरीके से स्थिला दंड आसन इसका नाम है, ऐसे बैठ जाएं और अपने घुटनों को टैप करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन ना करें, कम कम करें, लेकिन जिनको नहीं है 10 से 15 बार ऐसे करें। तो हमारे घुटनों की जो टेंशन थी वो हो गई है रिलीज। वाली पोजीशन जो जिस तरीके से रहनी थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं टेबल टॉप पोजिशन पर आ गई हूँ, सामने देखा, सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया। अब अपने राइट पैर को इस तरीके से सीधा करें। अब पैरों की स्थिति तो समझ ली, अब हाथ की स्थिति भी। तो पहले बॉडी का वेट लेफ्ट घुटने पर ट्रांसफर किया, राइट पैर को इस तरीके से घुटने से सीधा किया, और जब घुटने से सीधा करें ना तो आपकी जो लोअर बैक है इसको टाइट कर ले, पूरी की पूरी ग्लूट मसल्स को टाइट कर ले, थाइस को थोड़ा टाइट मीन्स इंगेज करके रखें, टाइट करके रखें। तो राइट पैर को ऐसे सीधा किया, सामने देखिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपनी बॉडी में और अपने लेफ्ट हाथ को भी हवा में इस तरीके से सामने देखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नी को ड्रॉप कर दें। सांस लें, पूरा बॉडी स्ट्रेट हो, सीधा हो, और सांस छोड़ते हुए ये हो गया। तो इसको हम व्याघ्र आसन का अभ्यास भी कहते हैं, वेरिएशन है। सांस लें ऐसे और सांस छोड़ते हुए नी को ड्रॉप कर दें, पाम को ड्रॉप कर दें। इसी तरीके से अब राइट पाम लेफ्ट नी, सांस लें, लेफ्ट पाम हवा में सामने बॉडी के, और अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली को देख रहे हैं और लेफ्ट पैर भी हवा में है, घुटने से सीधा है। सांस छोड़ें, ड्रॉप योर नी डाउन, पाम डाउन, सांस लें और टाइट करके रखें, इंगेज करके रखें अपने ग्लूट मसल यानी कमर के मसल्स को, पाम को। सांस छोड़ें ऐसे, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी लोअर बैक पर आएगा और बैलेंस भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर हाथ नहीं उठा पा रहे हैं तो सिर्फ पैरों को ही इस तरीके से सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें। तो अब रेस्ट करें, दोनों घुटनों को वापस से सीधा करें, रेस्ट करें, स्थिल दंडासन। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, बड़े ही बेहतरीन स्ट्रेचेज हैं, आप एक बार देखें और इसका समझें और इसका अभ्यास करें। तो पेट के बल ऐसे लेट गए, दोनों पाम को अपनी चेस्ट के पास रखें, जो ब्रेस्ट की मसल्स है ना इनके पास रखें, लास्ट रिब केज के पास रखें। एल्बो को बहुत से लोग बाहर की तरफ करके रखते हैं, इसको बाहर ना रखिएगा, इसको एल्बो को अंदर की तरफ रखिएगा। ऐसे शोल्डर्स को रोल बैक कर दीजिएगा, हेड को ड्रॉप कर दीजिएगा, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ रखिए। भुजंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं, सांस लेते हुए इस तरीके से धीरे से हेड अप, चेस्ट अप ऐसे, और पाम से पुश करके, बहुत से लोग नेवल रीजन को उठा देते हैं, नेवल रीजन को ना उठाइएगा, और अपनी जो ग्लूट मसल्स है ना इनको टाइट करके रखिएगा, थाई को टाइट करके रखिएगा, और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन और चेस्ट डाउन। ग्लूट मसल्स क्या हुई, जब आप हेड अप चेस्ट अप करें ना तो पूरी लोअर बैक पर ध्यान लेके जाएं, इसको टाइट कीजिएगा, अपनी ग्लूट मसल्स को टाइट कीजिएगा, और जो आपकी थाई मसल्स है ना इनको भी टाइट करके रखिएगा। ध्यान रखिएगा कान कंधे से दूर है। हेड डाउन कर दिया, चेस्ट डाउन कर दिया, इनहेल किया, सांस लिया, हेड अप, चेस्ट अप, सांस को रोक के रखिए,
5, 4, 3, 2, 1 एंड ड्रॉप। एक बार और इसी तरीके से आप इसका अभ्यास कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करके 3 से 5 बार जरूर कर लें। हेड डाउन चेस्ट डाउन, इनहेल हेड अप चेस्ट अप, सांसों को रोके, 5, 4, 3, 2, 1। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से मेरे पूरे के पूरे हिप जो है वो टाइट हैं, अब मेरी थाई टाइट है और पैर एक दूसरे के साथ है, ऐसे दूर नहीं है। और फिर हेड डाउन चेस्ट डाउन। अब रेस्ट करेंगे, आपको राइट पाम लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम राइट शोल्डर पर रखें, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दें और रेस्ट करें। इसका नाम है मकर आसन या क्रोकोडाइल पोज। अब हम जो दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगला प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट देगा, आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथनिंग करेगा और साथ ही आपके नेक और शोल्डर के मसल्स को भी लेंथन करेगा। किस तरीके से भुजंगासन वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। हाँ, अब भुजंगासन में क्या था, पैर जुड़े हुए थे, अभी पैरों को एक दूसरे से दूर कर देंगे। तो मेरा राइट पैर जो है मैट की राइट एंड पर, लेफ्ट पैर मैट की लेफ्ट एंड पर, इस तरीके से। और दोनों पैर के बड़े अंगूठे बाहर की तरफ, ऐसे टक मत कीजिएगा, ऐसे एंकल्स को फ्लेक्स कर दीजिए, ऐसे हेड डाउन चेस्ट डाउन। अब सांस लें, अभ्यास कर रहे हैं तिर्यक भुजंग आसन का। सांस लें, हेड अप चेस्ट अप इस तरीके से, और राइट शोल्डर की तरफ से टर्न होके अपनी लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करें, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें राइट साइड से, ठीक है, ऐसे। फिर वापस से सांस छोड़ते हुए हेड ड्रॉप चेस्ट ड्रॉप, सांस लें, सांसों को रोकें और अपनी लेफ्ट शोल्डर से राइट हील को देखें और फिर हेड ड्रॉप चेस्ट ड्रॉप। दो बार और सांस लें, रोके, राइट शोल्डर की तरफ से लेफ्ट हील को देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, ग्लूट मसल्स मेरी टाइट है, थाई टाइट है, मैंने छोड़ा नहीं है ढीला, ताकि वो मसल्स स्ट्रेंथन हो जाए। सांस लिया, अब गर्दन भी घूम गई, कंधा भी घूम गया, स्पाइनल कॉर्ड भी घूम गया और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो इसका अभ्यास कम से कम आप 5 बार कर लें, और ये अभ्यास करने से ना सिर्फ लोअर बैक का प्रॉब्लम बल्कि डाइजेशन का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो इनका अभ्यास ज़रूर करें। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं ना, उसका नाम है शलभ आसन या लोकस्ट पोज। टिड्डा देखा है ना आपने, उसी तरीके से चलिए करते हैं अभ्यास। तो दोनों हाथों को ऐसे आप अपनी बॉडी के अंदर टक कर लें, लेटे हुए ही ऐसे ही, ऐसे अपनी बॉडी के अंदर ऐसे टक कर लिया, ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे, और एल्बो से सीधा रख के दोनों हाथों को अपनी चिन को मैट पर ड्रॉप कर दें ऐसे। फिर उसके बाद दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें, सांस लें और अपने ग्लूट मसल यानी अपने पूरे हिप को टाइट करके रखिए, थाई को टाइट करके रखिए, घुटने से सीधा कीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हिप पैर को डाउन ड्रॉप कर दीजिए। लोअर बैक पेन, साइटिका पेन में बड़ा ही असरदार आसन है। सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1 सांस छोड़ दीजिए। एक बार और सांस लीजिए, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर दीजिए। इसी तरीके से लेफ्ट पैर से भी सांस लीजिए, 5, 4, 3, 2, 1 अब सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर दीजिए। वापस से सांस लीजिए एक बार और, तो इसको आप 5 से 7 बार ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉप कर दीजिए। अब अपने हाथों को रिलीज कर दीजिए। हाथों को रिलीज करने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे अपनी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासनों का। अब हम जो पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास कर रहे हैं वो आपकी लोअर बैक पर जो भी हमने प्रैक्टिसेस करी हैं, भुजंग आसन, तिर्यक भुजंग आसन की, उसका काउंटर स्ट्रेच भी हो जाएगा और इससे लोअर बैक पर बड़ा ही आराम मिलेगा। तो दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें घुटने से, आराम से मैट पर लेट जाएं, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रख लें, अपने दाहिने पैर को ऐसे घुटने से बेंड करें और दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ फंसाएं और अपनी थाई को अपनी
पेट की तरफ, अपने बेली की तरफ ऐसे लेके आए। इससे पेट पर बड़ा अच्छा दबाव मिलेगा। इसका जो इफेक्ट है आप अपनी लोअर बैक पर महसूस करेंगे, पेट पर महसूस करेंगे, थाइस पर महसूस करेंगे। ऐसे हाफ पवन मुक्त आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, हाफ विंड रिलीविंग पोज। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन बड़ी रहती है ना, उनको भी बड़ा आराम मिलेगा, इसमें डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसे फिर उसके बाद इसको ड्रॉप कर दे, राइट पैर को, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, दोनों हाथ की उंगलियां ऑलरेडी फंसी हुई हैं, और सांस लें और सांस छोड़ते हुए ताकि पेट पर वो दबाव अच्छा आए। ऐसे जगह खाली हो जाए पेट की, थाई का दबाव बहुत अच्छा आपकी बेली पर आए। अब जब हाफ विंड रिलीविंग पोज हो जाए, आपका पवन मुक्त आसन, हाफ पवन मुक्त आसन हो जाए, तो आप चाहें तो दोनों पैरों को भी इस तरीके से घुटने से मोड़ के, उंगलियों को बेंड करके, और अपनी थाई को बेली की तरफ लेके आए, होल्ड करके रखें। ये हो गया पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को बाहर की, पैर के बड़े अंगूठे ऐसे बाहर की तरफ खींच के रखें और दबाव बना के रखें। इसका दबाव पेट पर बहुत अच्छा आएगा। जो बहुत कब्ज की समस्या रहती है ना जिनको, उनको भी बड़ा आराम मिलेगा। तो इसका इफेक्ट पूरी लोअर बैक पर आ गया, पूरी थाई मसल्स बहुत अच्छी तरीके से खिंच गई। और फिर उसके बाद ऐसे रिलीज कर दें। तो इसका भी अभ्यास 3 बार 5 बार 7 बार आप कर लें, और हर एक बार आप 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और सांसों को रोक के रखें। अब इसके बाद आप शवासन में आराम से लेट जाएं। शवासन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हर एक योग अभ्यास के बाद आपको शवासन में लेटना ही लेटना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कम से कम 5 से 10 मिनट आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना काम करें। अब हम अभ्यास ज़रूर करेंगे प्राणायाम का, क्योंकि जब भी हमारी मसल्स में टेंशन होती है ना, और जॉइंट्स में टेंशन होती है, उस टेंशन को दूर करने के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ भी नहीं है। योगासन तो आपको मदद करेंगे उन मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए और उन जॉइंट्स को आराम देने के लिए, जो इन्फ्लेमेशन है उनको कम करने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए उन जॉइंट्स को। लेकिन अगर आप उसके साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं तो आपको उसका 2 गुना बेनिफिट मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, जिनको बैक पेन का समस्या है ना, वो कभी भी कपालभाति का अभ्यास मत कीजिएगा। रीज़न क्या है, जब आप कपालभाति करते हैं ना, तो जो पंपिंग होती है, जो स्ट्रोक्स लगते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो दबाव है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है। तो अगर आप लगातार कपालभाति का अभ्यास करते रहते हैं तो इससे क्या होगा कि वो दबाव आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा, और ज़िंदगी में कभी भी फिर आप वो बैक पेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो हम अच्छा करने के लिए बहुत सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आपकी परेशानी धीरे धीरे कम होती जाए इन योगासनों की मदद से, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी किसी भी योग गुरु की निगरानी में ज़रूर योग का अभ्यास किया कीजिए। तो आप कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं? अगर आप कपालभाति का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। चलिए मेरे साथ करें, मैं अभी आपको 3 सेट करके बताती हूँ। आपको इसको मिनिमम 9 राउंड्स तो करने ही करने हैं। मैक्सिमम अगर आप इसका अभ्यास 15 मिनट 30 मिनट भी कर सकते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने अपने राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल को खुला रखा, और जो आपका लेफ्ट पाम है ना, उसको चिन मुद्रा में इस तरीके से अडॉप्ट करके बैठ गए। सांस लिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे झुका के कमर नहीं बैठना है, कमर को सीधा रखना है। सांस लिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से, रोक लिया, सांस छोड़ दिया अपनी राइट नॉस्ट्रल से, सांस लिया अपनी राइट नॉस्ट्रल से, रोक लिया और सांस छोड़ दिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। रेशियो है 1:1:1:1, तो सांस लिया 1, 2, 3, 4, सांस रोक लिया 1, 2, 3, 4, और सांस को राइट नॉस्ट्रल से छोड़ दिया 1, 2, 3, 4, फिर वापस से राइट नॉस्ट्रल से सांस लिया 1, 2, 3, 4, दोनों नाक को बंद कर लिया, होल्ड किया 1, 2, 3, 4, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दिया 1, 2, 3, 4। तो ये जो मैंने काउंटिंग बताई है ना, ये आपको बोल बोल के नहीं करना है, ये बोलना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कितनी सांस लेनी है। आप 4 काउंट तक सांस ली, 4 काउंट तक रोका, 4 काउंट तक छोड़ दिया,
तो आप इसको 4 से बढ़ा के 5 कर दें, 5 से बढ़ा कर 6 कर दें, 6 से बढ़ा के 10 कर दें, 20 कर दें, कम्प्लीटली आपके लंग्स की और आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी अच्छा अभ्यास हो जाए तभी इसका नंबर जो है वो बढ़ाएं, अदरवाइज जो कम नंबर है ना 4 राउंड 3 काउंट तक, इन्हीं नंबर पर अपना काम करें और पहले उस नंबर पर कंफर्टेबल हो जाएं। तो सांस लेते वक्त काउंटिंग आपको करनी नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि सांस ले लिया, सांस रोक लिया और फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ दिया, फिर सांस ले लिया अपनी राइट नॉस्ट्रल से, सांस रोक लिया और सांस छोड़ दिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और इसका अभ्यास जब कर लें दोनों हाथों को घुटने पर ड्रॉप करके आराम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे हुए अपनी आती और जाती हुई सांस को अपने नाक से देखें और ध्यान लगाएं। जरूरी है ये 10 मिनट आपको कंट्रीब्यूट करना। तो इस तरीके का अभ्यास और ऐसी छोटी छोटी बारीकियां ना आपको योगा क्लास में बताई जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करके, जो योगा क्लासेस कंडक्ट होती हैं सुबह भी होती हैं शाम में भी होती हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। जिस बोनस टिप की मैं बात कर रही थी ना वो ये है कि जब हमारी बॉडी का पॉस्चर बिगड़ता है तभी जाके उन टारगेटेड एरिया में काफ़ी टेंशन हो जाती है, और उस एरिया में टेंशन होने के कारण, ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण फिर हम बैक पेन की समस्या का शिकार होते हैं। अच्छा, ये जो लोअर बैक पेन है, टेल बोन का पेन है ना, ये हमारी बैड पॉस्चर के कारण बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वैसे तो बहुत से और भी कारण होते हैं, लेकिन आपका जब बैड पॉस्चर होता है तो इस समस्या को आने में, इस समस्या को देखने में, ये समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, स्पेशली बैक पेन की। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब दिन भर ऑफिस में काम करते हैं तो वो इस तरीके से झुक जाते हैं, उनका स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से झुक जाता है, तो क्या होता है, या कुर्सी में बैठते हैं, जब फुल डे कुर्सी में बैठते हैं तो इस तरीके से जब स्पाइनल कॉर्ड राउंडेड होती है तो आपका पूरा का पूरा दबाव कहाँ आता है, लंबर रीजन में आता है, जिसकी वजह से आपको लंबर रीजन में ज़्यादा पेन महसूस होता है, या कि आपकी डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है। तो इस तरीके से ना बैठ के जब भी आपको याद आए तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से सीधा कर लें। तो क्या होगा कि जो आपके ऑफिस में काम करते हैं 8 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं, तो क्या है, 8 या 12 घंटे इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पर जब टेंशन आएगा तो ऑटोमेटिकली वाजिब सी बात है कि इस तरीके की समस्या हमें आनी ही आनी है फ्यूचर। तो अगर हम सिर्फ थोड़ा सा ये काम कर ले कि अगर हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे झुका के ना बैठ के ऐसे सीधा बैठना शुरू कर दिया, शुरू शुरू में होगा कि आदत नहीं है ऐसी तो झुक जाएगी कमर, लेकिन आप अपनी आदत बना लीजिए कि जितनी बार आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे झुके ना तो उतनी बार अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर लें। अगर शुरू शुरू में तकलीफ हो, परेशानी हो, तो जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, जहां भी आपका डेस्क है वहां पे एक बोल्ड लेटर में लाइन लिख लें कि आई हैव टू सिट स्ट्रेट। तो जब भी आप उस पेपर को देखेंगे या उस मैसेज को देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं, मुझे सीधा बैठना है। देखिएगा कुछ ही दिनों में ये जो बैक पेन का प्रॉब्लम है ना, और ये योगा अभ्यासों के साथ, कुछ दिनों में ऐसे ही छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, ये प्रैक्टिसेस करने मात्र से मैं अपनी लोअर बैक पे बड़ा ही आराम महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर कि जब आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे ना तो आपको भी ये आराम तुरंत देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और योग अभ्यास की निरंतरता बनाए रखिएगा। खूब योग अभ्यास कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आई एम श्योर कि जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दिया होगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।